सूरतना सारोली विस्तार में नवनिर्मित मार्केट प्रोजेक्ट में अलग अलग टेक्सटाइल मार्केट वेपारी द्वारा करोड़ों रूपया रोकाण कर परंतु अंदाजीत 25 जेटला प्रोजेक्ट अदद वच्चे अटकी पड़ता वेपारी मेहनत की मूड़ी अटवाई पड़ी है। हजू दुकान कब्जो वेपारी ने मळ्यो नथी। त्यां दुकान हप्ता भरवा बिल्डर्स द्वारा वेपारी ने दबाण करात हो आक्षेप वेपारी कर चार चार वर्ष दुकाने कब्जो वेपारी ने न मळता वेपारी मुश्किल में मुकाई गया है। आ मामले हवे 12 सप्टेम्बरे आगामी बैठक मळशे त्यारबाद वधु चर्चा करवामां आवशे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी के साथ है तो वो एक दूसरे से बात भी करें और इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी के पास कोई भी अगर सुझाव भी है तो उसका सुझाव भी सुना जाए। यह संघर्ष समिति बनाने का मेन कारण यही है कि कभी कभी क्या होता है कि दो चार पांच आदमी व्यापारी किसी के पास जाते तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो अगर सब मिल करके जाएंगे तो पता चलेगा ना कि किस प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है, दूसरे को ज्यादा है, तो ऐसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम उस प्रोजेक्ट में है। तो पावागढ़ में आवेला आरक्षित स्मारकों की सुरक्षा आपता 11 सिक्योरिटी जवानों ने एकाएक छूटा कर देवामां आवता तमाम 26 सिक्योरिटी जवानों सामूहिक हड़ताल पर उतरिया तेमज तेओ विरोध प्रदर्शन कर्यु। छूटा करायेला जवानों कहेवा मुजब तेओए वारंवार तेमना डॉक्यूमेंट जमा करावेला छता तेनु ज कारण आपी तेमने छूटा करवामां आव्या छे। 11 जवानों ने छूटा कर देवाता तमाम सुरक्षाकर्मीओ आरक्षित स्मारकों की सुरक्षा काम छोड़ी विरोध प्रदर्शन कर्यु ने ज्यां सुधी मामलानो निवेड़ो नहीं आवे त्यां सुधी हड़ताल की जाहेरात करी छे। पावागढ़ चापानेर खाते 26 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करीए छे अने अमारो प्रश्न ए छे कि अमने ऑफिस मांथी एवी जाण करवामां आवी छे कि तमारा पीएफ ने वांधाने लीधे 10 जणने तात्कालिक छूटा करवामां आवे छे। ज्यां सुधी केवायसी नहीं थाय त्यां सुधी तमने स्टॉप करवामां आवे छे। तो अमारी जाण करवानी ए छे कि कया कारणोसर तमे अमने छूटा करवामां आव्या छे, ए अमारो मेन मुद्दो छे। અને પછી એવું કીધું છે કે જ્યાં સુધી તમારું કેવાયસી અપડેટ ના થાય ત્યાં સુધી તમને નોકરી પર નહીં લેવામાં આવે અને એની જગ્યાએ બીજા તાત્કાલિક ધોરણે ભરતી કરી દેવામાં આવશે। અમે 11-12 વર્ષથી નોકરી કરીએ છીએ, બરાબર છે, ખોટી રીતે હેરાન કરવામાં આવે છે અને અમને કાઢવા માટે કોશિશ કરે છે, ષડયંત્ર રચવામાં છે, જેની અમને કઈ ખ્યાલ નથી અને અમારા પેમેન્ટમાં બી 3-4-5 વર્ષ થઈ ગયા, મતલબ કોઈ વધારો બધાર કરવામાં નથી આવતો અને ખોટી રીતે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ બી નથી થતું અમારા લોકોનું અને આ રીતે ખોટા હેરાન કરી અને સ્ટોપ ડ્યુટી કરવામાં આવી છે।